बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करने से पहले हमें शॉपिफाई स्टोर के लिए एक अच्छा नेम चूज़ करना होता है। शॉपिफाई स्टोर के लिए हम एक ऐसा नाम चूज़ करते हैं जो यूनिक हो, शॉर्ट हो और हमारे काम को भी जाहिर करे। स्टोर नेम या बिजनेस नेम हमारी पहचान होता है, या हमारे काम की पहचान होता है। जितना हमारा स्टोर नेम अच्छा होगा या बिजनेस नेम अच्छा होगा तो कस्टमर हमारे पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और कस्टमर पे एक अच्छा और पॉजिटिव इम्प्रेशन जाता है। जितना कस्टमर पे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन जाएगा या कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट करेगा उतनी हमारी सेल ज़्यादा होती है या हमारे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक अच्छा स्टोर नेम चूज़ करने में मदद करेंगी। नंबर 1 ये है कि आपको जो स्टोर नेम चूज़ करना है वो 2 वर्ड्स का हो कि आपके स्टोर का नेम ज़्यादा लंबा ना हो ताकि कस्टमर को सर्च करने में भी डिफ़िकल्ट हो जाए, और आपका जो स्टोर नेम हो वो यूनिक हो और ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो कि कस्टमर अगर आपके बिजनेस को सर्च करे या आपके स्टोर को सर्च करे तो आगे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएं और कस्टमर के लिए डिफिकल्ट हो जाए कि उसे पता ही ना चले कि इनमें से आपका स्टोर कौन सा है। और ये जो आप जो भी आप नेम चूज करें वो ऐसा नेम हो जिस पे ऑलरेडी कोई सोशल प्रोफाइल्स ना हो। और नंबर 3 चीज़ ये है कि आपका जो स्टोर नेम हो वो इजी टू रिमेम्बर हो, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो कि कस्टमर को वो भूल जाए। चौथी चीज़ ये है कि आपका स्टोर नेम ऐसा हो जो आपके काम को प्रेजेंट करे, मतलब अगर आप क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्लॉथिंग का साथ कोई वर्ड वगैरह यूज़ करें, या अगर आप कोई टेक्स स्टोर है या ज्वेलरी स्टोर है तो उसी के साथ आप एक कीवर्ड भी यूज़ करें ताकि कस्टमर को पता चल सके कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और जब भी आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन बुक करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि .com या .pk वाली डोमेन को बुक करें, ठीक है, क्योंकि ये .com या .pk ऐसी डोमेन्स होती हैं जिन पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि पॉपुलर जितने भी ब्रांड्स या बिजनेस हैं वो .com या .pk की डोमेन्स को यूज़ करते हैं। आप देख लें amazon.com है या दराज .pk है, तो ये बड़े ब्रांड्स हैं, ये .com या .pk की डोमेन को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे ऑनलाइन टूल या वेबसाइट बताऊंगा जो आपके बिजनेस नेम को तलाश करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले जो वेबसाइट है उसका नेम है नेमलिक्स, ठीक है। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका बिजनेस है या आपका आईडिया है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शूज़, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इसका आगे नेक्स्ट एक टैब आ जाती है। तो यहाँ मैं वो पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट आ नेम स्टाइल, तो मैं इसे ऑटो रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद सिलेक्ट जनरेशन रैंडमनेस, इसको मैं मीडियम कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। इसी के साथ साथ ब्रांड इन्फो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत सारे यूनिक नेम्स आ चुके हैं। आपने इन सारों को चेक करना है एक एक करके, जो नेम आपको अच्छा लगे वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके साथ एक दूसरी जो वेबसाइट है उसका नेम है लर्न डोमेन सर्च। इसमें भी आप अपने कोई भी कीवर्ड देंगे जिस भी नीच पे या जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। सपोज आप शूज़ लिखते हैं तो शूज़ से रिलेटेड ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट नेम आइडियाज़ दे देगा। अब ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नेम आइडियाज़ हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप नेम चूज़ करेंगे, सपोज करें कि ये मैं एक नाम इनमें से चूज़ कर लेता हूँ कि शूज़ बिल्डर, ठीक है, shoesbuilder.com। मैं इसको अगर चेक करना है कि ये अवेलेबल है या नहीं है तो सबसे पहले तो ये एक वेबसाइट है namechecker.com, इसमें आप कोई भी अगर नेम को पेस्ट करते हैं तो ये आपको बता देता है कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं क्या ये नेम उन पे ऑलरेडी यूज़ हो रहा है या फ्री है। तो मैंने यहाँ पे स्टोर बिल्डर लिख के सर्च किया है तो ये कुछ ही लोडिंग के बाद ये आपको बता देगा कि इसकी .com डोमेन जो है वो अवेलेबल है, फेसबुक पर ऑलरेडी पेज क्रिएट किया गया है, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आप बता रहे हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म पे ये ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है और किन किन अकाउंट पे ये नहीं करता। और जो इसके बाद चौथी हमारी वेबसाइट है वो है godaddy.com। godaddy.com जो है एक पॉपुलर डोमेन बाइंग के लिए वेबसाइट है। जो भी आप नेम चूज़ कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि क्या वो डोमेन अवेलेबल है और उस डोमेन की प्राइस कितनी है। अब मैंने shoesbuilder.com के नाम से डोमेन सर्च किया तो ये डोमेन अवेलेबल है और इस डोमेन की प्राइस जो है वो 990 है, मतलब 1000 रुपये में ये हमें डोमेन इजीली मिल जाएगी। अगर आप .pk की डोमेन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो domain.pk है। इसमें आप अपनी डोमेन का नाम सर्च करेंगे, मैं अभी लिखता हूँ शूज़ बिल्डर और मैं .pk वाली लेना चाह रहा हूँ, तो मैं .pk लिख के ओके करता हूँ तो ये हमें बता देगा कि .pk वाली डोमेन अवेलेबल है या नहीं है।
ये सर्चिंग हो रही है, अभी इसका रिजल्ट जो होगा वो सामने आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि डॉट पी के वाली डोमेन जो है वो अवेलेबल है, डॉट कॉम भी अवेलेबल है, डॉट कॉम, डॉट पी के, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी। आपने प्रेफर यही करना है कि आप डॉट पी के या डॉट कॉम वाली डोमेन बुक करें। अब ये देखें कि अगर आप गोडैडी से बुक करते हैं डोमेन को, तो वो वहाँ पे आपको 999 मतलब 999 में मिलती है, लेकिन अगर आप डोमेन डॉट पी के से बाय करते हैं तो आपको ये 3200 में मिलती है, ठीक है, 3200 में मिलती है। तो इसलिए अगर आप डॉट कॉम वाली डोमेन बाय करते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेशन है, आप गोडैडी को ही यूज़ करें और गोडैडी से डोमेन बाय करें। तो इन 5 वेबसाइट्स को आप अच्छे से इस्तेमाल करें, डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के आप इनमें सर्च करें, जो जो नाम आप देखना चाह रहे हैं या जो जो आइडियाज़ आपको मिलते हैं, आप जो भी कीवर्ड डालेंगे तो उसको आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे, वो आप सारे चेक करें, ठीक है। चेक करने के बाद आप एक अच्छा सा नेम चूज़ कर लें, और ऐसा नेम चूज़ करें कि वो आगे जाके आपका ब्रांड बन सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।